हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। मैंने बोला था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट उसका उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है। तो आज अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड डिटेल में, जो कि आप लोग की वन कार्बन इंटीग्रल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। इट इज गिवन फॉर अ वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर दिस। ओके, तो लेमिनार बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस के न्यूमेरिकल में देखा हुआ है ऑलरेडी। डिटरमाइन द बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब डेल्टा पूछा है, शियर स्ट्रेस टाउ जीरो पूछा है, ड्रैग फोर्स एफ डी पूछा है, कफिशियंट ऑफ ड्रैग सी डी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रिमेंबर, इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर। और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है रेनॉल्ड नंबर? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, तो रो यू एक्स बाय म्यू। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन में क्या आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, क्या? वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर, यू बाय यू इक्वल टू 3/2 वाई बाय डेल्टा माइनस 1/2 वाई बाय डेल्टा टू द पावर क्यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से आया था, इसको हमको याद रखना है। टाउ जीरो बाय रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू डेल्टा ब्रैकेट में स्मॉल यू बाय कैपिटल यू माइनस इस यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जिसको हमने बोला था, वो ये फार्मूला है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी प्रोफाइल यू बाय यू दिया हुआ है। तो इसी इक्वेशन में यू बाय यू की जगह में हमको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है वेलोसिटी प्रोफाइल वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो यू बाई यू की जगह में ये आ गया है, एंड यहाँ पे यू बाई यू स्क्वायर रखेंगे, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ठीक है, तो हमारा जो आएगा वो तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है? जब हम इसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे आगे की तरफ तो हमारे को मिलते जाएगा ये मिलेगा 3/2, फिर ब्रैकेट को हमको ओपन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वी गेट 3/2 डेल्टा माइनस 9y² / 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3y²/4 डेल्टा 3/4। तो ये हमको जब हम उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है, जो सेम पावर वाले टर्म है, उनको हम कंबाइन कर दिए। जैसा कि हम सिमिलर अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुका है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस निकालने के लिए। ठीक है, तो हमको फाइनल एक एक्सप्रेशन मिला, जब हम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट किए, वाई की जगह में डेल्टा पुट किए और जीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें टाउ जीरो बाय रो यू स्क्वायर हमको मिला 39/280 डेल डेल्टा बाय डेल। ठीक है, रो यू स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज हुआ। अब ये इक्वेशन को देखिए, हमारा जो इक्वेशन है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज आवर इक्वेशन वन, दैट इज टाउ जीरो इज इक्वल टू 39/280 रो स्क्वायर डेल डेल्टा बाय डेल एक्स। ठीक है, ऑल्सो शियर स्ट्रेस, यू नो दैट टाउ जीरो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई वाई इज इक्वल टू डी यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वेयर स्मॉल यू कैपिटल यू जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने राइट हैंड साइड में ले गया तो स्मॉल यू की वैल्यू इतनी आई। अब क्या है, डेल यू डी यू बाय डी वाई करना है तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी पुट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया डी यू बाय डी वाई को, तो हमको आया यू कॉन्स्टेंट है बाहर ही रहेगा, यहाँ पे एक सिंगल वाई है तो 3/2 डेल्टा हो जाएगा माइनस वाई क्यूब का वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3y² हो जाएगा 3y² / 2 डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये हमारा आया। अब यहाँ पे हम वाई को जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा तो हमको मिलेगा 3u/2 डेल्टा। ठीक है, 3u/2 डेल्टा मिला डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो, तो जो टाउ जीरो की वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी, टाउ जीरो इक्वल टू यू 3u/2 डेल्टा। अब देखो हमको दो टाउ जीरो की वैल्यू मिल गई, एक वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से, एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, दो अलग अलग टाउ जीरो की वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक, इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को इक्वेट करेंगे, तो हमारा ये आई जो इक्वेशन वन से टाउ जीरो की वैल्यू मिली थी, ये आई जो इक्वेशन टू से टाउ जीरो की वैल्यू मिली थी। अब हमको क्या करना है, हमको डेल एक्स
डेल्टा वाले टर्म को एक साथ रखना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो डेल्टा इधर उधर डेल्टा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब चले गया राइट हैंड साइड में। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बाय टू मिल जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस सी, ठीक। ये डेल्टा एक्स का एक्स हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमको इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जैसे ही प्लेट का लीडिंग एज है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में बाउंड्री लेयर थिकनेस जीरो होती है, वी गेट सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ये फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब डेल्टा को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे, तो टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 39 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4.64, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ये वाली टर्म यू एक्स बाय रो यू। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक, 4.64 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, u डिनोमिनेटर में रो यू एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो इट कैन बी रिटन एज 4.64 एक्स डिवाइडेड बाय आर ई एक्स। ये जो है ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो इंटू यू इंटू एक्स बाय न्यू, तो ये जस्ट रेसिप्रोकल है उसका, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमको मिल गया डेल्टा इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि ये सब वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, रेनॉल्ड नंबर के टर्म में। ओके आगे शेयर स्ट्रेस आ गया हमारा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 3/2 न्यू यू बाई रो, ठीक है। अभी हमारे को डेल्टा मिला, अभी हमको यहाँ से डेल्टा मिला, लेकिन पूछा क्या है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस टाउ जीरो इक्वल टू, हमने इक्वेशन टू में देखा था क्या है, 3/2 न्यू यू बाई डेल्टा, सब वैल्यू रख देंगे, ठीक, डेल्टा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बाकी सब चीज़ें ठीक है। डेल्टा की वैल्यू आई है हमारी 4.64 एक्स बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.323 न्यू यू बाई एक्स इंटू रेनॉल्ड नंबर। तो जो शियर स्ट्रेस पहला पार्ट है, जो शियर स्ट्रेस रेनॉल्ड नंबर के टर्म में पूछा था, वो आ गया हमारा। नेक्स्ट ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल टाउ 0 बी डी एक्स। टाउ 0 क्यों लिखा मैंने, टाउ 0 इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि हमको टाउ 0 की वैल्यू पता है, टाउ 0 की वैल्यू यहाँ से लेंगे अपन, ठीक, बी डी एक्स, बी इज कॉन्स्टेंट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल तक, तो देखिए क्या हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर को में एक एक्स छुपा हुआ है, तो हमको उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा रो यू एक्स बाय म्यू। अब यहाँ पे ये एक्स अंडर रूट एक्स न्यूमरेटर में, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 1/x अंडर रूट एक्स, ओके, ठीक है। तो अब 1/√x को अपन इंटीग्रेट करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको पूरी की पूरी बाहर ले आएंगे, तो 0.323 बाहर आ जाएगा, यूएस बाहर आ जाएगा, म्यू एस बाहर आ जाएगा, रो यू बाय म्यू बाहर आ जाएगा, और बी भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/√x इंटू डी एक्स। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, एक्स की पावर ये ऊपर आके एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो प्लस 1, तो √x बाय 1/2। 0 to L लिमिट रखेंगे तो इट विल बिकम √L। एफ डी क्या आ गया हमारा, 0.323 रो यू इंटू 2, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 646। तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स वी गेट 0.646 न्यू यू इंटू 2 अंडर रूट, ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर। ये वाला रेनॉल्ड नंबर क्या था, एक्स के लिए था, ये रेनॉल्ड नंबर पूरी की पूरी प्लेट की लेंथ के लिए है, क्योंकि टोटल ड्रैग फोर्स निकाल रहा है हमें, तो हमको टोटल लेंथ लेना पड़ेगा, तो ये दिस कैन बी रिप्लेस बाय आर ई एल, ओके, ठीक। नेक्स्ट इज ड्रैग कोफिशिएंट, ड्रैग कोफिशिएंट हमको पता है एफ डी बाय 1/ρa इंटू यू स्क्वायर होता है, ठीक। एफ डी की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है अपनी, रख दी एफ डी की वैल्यू को अपन, नीचे में एरिया पता है हमको, b इंटू एल विड्थ बी ले रहे हैं अपन, l लेंथ है, सॉल्व करेंगे जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल, टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा दैट इज अगेन 1.292 अपॉन रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो ये सब तीनों टर्म आगे रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में, ठीक। अब आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको फिर से देखते हैं अपन,
शेयर स्ट्रेस आ गया रेनॉल्ड नंबर में, ड्रैग फोर्स आ गया रेनॉल्ड नंबर के टर्म में, ये रेनॉल्ड नंबर से रिप्लेस हो सकता है और ड्रैग कोफिशिएंट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, इन द सेम प्रॉब्लम फाइंड थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एंड शेयर स्ट्रेस। अगेन बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछ रहा है और शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है। अब यहाँ पे डेटा दे दिया, यहाँ पर पहले क्या पूछ रहा था इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर, अब यहाँ पे डेटा दे दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं, एट 1.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज, मतलब एक्स की वैल्यू दे दिया 1.5 मीटर, द प्लेट इज 2 मीटर लॉन्ग, एल दे दिया 2 मीटर, 1.5 मीटर वाइड, बी की वैल्यू दे दिया 1.4 मीटर, इज प्लेस्ड इन वाटर विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 200 mm पर सेकेंड, यू की वैल्यू दे दिया 200 mm पर सेकेंड, फाइंड द टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट इफ म्यू इज 0.01 पॉइंट, म्यू की वैल्यू दे दिया 0.01 पॉइंट और हमको क्या पूछा है टोटल ड्रैग फोर्स। ठीक है, देखिए गिवन लिखते हैं अपन एक्स एल बी कैपिटल यू, उसको हमको mm सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विस्कोसिटी को पॉइंट में दिया है तो हमको न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस हमको पता है क्या आया था हमारा जब अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो 4.64 एक्स बाय रो ई एक्स, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, रो ई एक्स को अपन इलेबोरेट करेंगे, जैसे ही आर ई एक्स को रो यू एक्स बाय न्यू चाहिए तो रो की वैल्यू 1000 होती है, वेलोसिटी 0.2 दिया हुआ है, एक्स 1.5 दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो हमको रेनॉल्ड नंबर मिल गया ये। अब इस इक्वेशन में हम सब वैल्यू रख देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 4.64, एक्स की वैल्यू 1.5 और रेनॉल्ड नंबर 30,000, तो वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू 0.0127 मीटर। हमको क्या मिल गया, बाउंड्री लेयर थिकनेस की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। हमको पूछा क्या है टोटल ड्रैग, शेयर स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का अभी हमको पता है 0.323 न्यू यू बाई एक्स रो एक्स, ये फॉर्मूला हमने जस्ट अभी निकाला था। अगेन आर ई एक्स विल रिमेन सेम 30,000, बाकी सब यू दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 0.001 इंटू 2.2 1.5 और 30,000, तो वी गेट शेयर स्ट्रेस 0.0235 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ड्रैग फोर्स सेम फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड अर्लियर 0.646 न्यू यू इंटू 2 रेनॉल्ड नंबर, लेकिन यहाँ पे रेनॉल्ड ड्रैग फोर्स में रेनॉल्ड नंबर में जो डिस्टेंस है वो एक्स नहीं होती, वो एल होती, तो यहाँ पे 1.5 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे 2 मीटर रखेंगे, क्योंकि ड्रैग फोर्स वो पूरी प्लेट का निकलता है। ठीक, तो जब हम निकाले तो ये सब वैल्यू पुट करते तो 0.113, लेकिन ये क्या है, ये प्लेट के एक साइड का ड्रैग फोर्स आया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो हम डिराइव किए वो प्लेट के एक साइड का, अगर हमको दोनों साइड का निकालना है तो सेम रहेगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्रैग फोर्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.1138, तो 0.2276 न्यूटन। ठीक है, दिस इज सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये न्यूमेरिकल या डेरिवेशन दोनों में से एक चीज आएगी भाई हमारे एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट इज अवर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, हमने देखा क्या होता है कि जब सॉलिड बॉडी के ऊपर फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होता है, एक बाउंड्री लेयर बनती है, उस बाउंड्री लेयर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाती है वो क्या होता है ग्रो करते जाती है, बाउंड्री लेयर ग्रो करते जाती है, और उस बाउंड्री लेयर में जो फ्लूइड है वो जीरो वेलोसिटी से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। ठीक है, और जैसे जैसे बाउंड्री लेयर के आगे बढ़ते जाते हैं तब तक जैसे वैसे वैसे थिकनेस भी बाउंड्री लेयर की बढ़ते जाती है। जो फ्लूइड का लेयर सॉलिड बॉडी के जस्ट एडजेसेंट होता है उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और जब वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वो क्या करता है, किससे रिकवर करता है, अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड से रिकवर करता है। ठीक है, अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड से रिकवर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज, वहाँ से वो मोमेंटम का वेलोसिटी लेता है, वहाँ पे उसका मोमेंटम का एक्सचेंज होता है और वहाँ पे वो अपना काइनेटिक एनर्जी को वापस से रिस्टोर करता है ताकि वो आगे की तरफ ट्रैवल कर सके। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है लेयर बाय लेयर ऊपर जाते जाते वो कम होती है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सॉलिड बॉडी कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, स्टेज आता है जब जो काइनेटिक एनर्जी ले रहा है वो दैट इज नॉट कैपेबल इनफ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द सॉलिड बॉडी। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी उतनी इनफ नहीं हो पाती लेने के बाद भी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं क्या होते जा रहा है, उसकी वेलोसिटी और कम होते जा रही है क्योंकि बाउंड्री लेयर ग्रो करते जा रही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद भी नहीं बचती कि वो आगे की तरफ मूव कर सके और वो रेजिस्टेंस फोर्स को ओवरकम कर सके, तब क्या होता है वो बाउंड्री लेयर सॉलिड बॉडी को छोड़ देता है, सेपरेट हो जाता है, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन। और जिस पॉइंट में ये होता है कि फ्लूइड बाउंड्री से डिटैच हो जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ
सेपरेशन. दिस इज द फिनोमिना ऑफ बाउंड्री लेयर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर. क्यों होता है बाउंड्री लेयर? क्योंकि किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस फोर्स मिल रहा है. रेजिस्टेंस फोर्स आगे बढ़ने के लिए वो अपनी काइनेटिक एनर्जी, उसकी लॉस हो रही है. वो लॉस जो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है वो किससे कंपनसेट कर रहा है? अपनी ऊपर वाली लेयर से. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है क्या होता जा रहा है कि बाउंड्री लेयर ग्रो करते जा रही है और रेजिस्टिव फोर्स बढ़ते जा रहा है. रेजिस्टिव फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि अब उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कि वो अपना ओवरकम कर सके जो फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, और इसके कारण वो सेपरेट हो जाता है. जनरली ये देखा गया है कि ये डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है, क्योंकि जैसे ही डाइवर्जिंग सेक्शन हुआ तो क्या होता है वहाँ पे की वेलोसिटी काइनेटिक हेड कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन. और जैसे काइनेटिक हेड कम होता है तो उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती कि वो ओवरकम कर सके. ठीक है, इसको अपन एक फिगर के थ्रू देखते हैं. देखिए ये फिगर में दिख रहा है आपको ए बी सी डी, ये एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज है. तो जब कन्वर्जिंग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब डाइवर्जिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेपरेशन हो सकता है. ठीक, तो जो ये पॉइंट एस है इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेपरेशन वेयर डी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो इज जीरो. देखिए जब कन्वर्जिंग सेक्शन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर निगेटिव है, वेरिएशन इन प्रेशर निगेटिव है. लेकिन जैसे ही डाइवर्जिंग सेक्शन हुआ प्रेशर पॉजिटिव हुआ, प्रेशर पॉजिटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर सके. ठीक है, तो ए बी सी तक ठीक है, एस इज द पॉइंट ऑफ सेपरेशन और डी में फ्लो सेपरेट हो गया. ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या है, जब डी यू बाई डी वाई इज निगेटिव, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट निगेटिव हो जाएगा तो फ्लो सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निगेटिव हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, फ्लो सेपरेट हो जा रहा है. देखिए उल्टा बन गया सर, वेलोसिटी प्रोफाइल का सर. जब ये जीरो होगा, डी यू बाई डी वाई जीरो होगा तो फ्लो ऑन अ वर्ज ऑफ सेपरेशन होगा, वो सेपरेट होने वाला है. और जब ये पॉजिटिव होगा तब फ्लो सेपरेट नहीं होगा. ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, दिस इज नॉट अ डिजायरेबल फिनोमिना. क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एडिस फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे इसके कारण लॉस होगा. अगर बॉडी लेयर सेपरेशन होगा तो वहाँ पे लॉस होगा और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे. ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने का मेथड क्या होगा, तो मेथड देखते हैं अपन. टू प्रिवेंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन, यहाँ पे ब्लोअर के थ्रू इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दें, जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उसकी, उसको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करें बाय सम एक्सटर्नल मीन, सो दैट इट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिड्यूस टू अ सर्टेन लेवल कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो बाउंड्री लेयर सेपरेशन की. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि रोटेटिंग बाउंड्री हम क्रिएट करें इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उससे क्या होगा कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन का फिनोमिना कम हो जाएगा. जो सडन डाइवर्जेंस होता है, जो अचानक से क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं ताकि क्या हो, अचानक से काइनेटिक हेड का लॉस नहीं हो, और काइनेटिक हेड का लॉस होने के कारण जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन ना हो. धीरे 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 करके होगा तो चलेगा, लेकिन अगर अचानक से हम डाइवर्जिंग सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है. तो बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल डाइवर्जेंस वी कैन अवॉइड बाउंड्री लेयर सेपरेशन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेरिवेशन, वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, वेरियस न्यूमेरिकल्स एंड बाउंड्री लेयर सेपरेशन. ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जब आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आगे जो फ्लूड मैकेनिक्स, जो एडवांस फ्लूड मैकेनिक्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में फ्लूड मैकेनिक्स को एंड कर रहे हैं. दो टॉपिक्स एंड करेंगे, कि बाउंड्री लेयर हो गया और नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे अपन कंप्रेसिबल फ्लो, जिससे एंड कर रहे हैं जो एडवांस फ्लूड मैकेनिक्स है वहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये जो रहेगा ना ये आप लोगों का बेसिक रहेगा जब आप एडवांस फ्लूड मैकेनिक्स आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आप लोग पढ़िए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखिए. ओके, थैंक यू.